ਕਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੂਟ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਸੂਟ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आज हम पहुंचे हैं, यह रविवार है, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में, जहां पर देर रात को एक डॉक्टर को गोली मार दी गई है। डॉक्टर का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये अंदर जाने का रास्ता है इमरजेंसी में। देखिए, यहां पर कोई सुरक्षा भी नहीं होती है। यहां ये वो स्थान है जहां पर इसी दरवाजे से दोनों पार्टियाँ जो झगड़ी होती हैं वहाँ पर यहाँ आती हैं। डॉक्टर उस कमरे में ड्यूटी कर रहा होता है। ये देखिए, ये डॉक्टर का कमरा है, इमरजेंसी मेडिकल रूम ये है, और यहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी होती है। रात को यहीं बैठा होता है। और ये देखिए, वो कमरा है जहाँ पर जब बाहर लोग झगड़ रहे होते हैं तो देखने के लिए बाहर निकलते हैं और एक गोली उनकी टांग में लग जाती है। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में तमाम लोग खड़े हैं, सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल अधिकारी भी हैं, यहाँ सिविल हॉस्पिटल जो एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के वो भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या था। बार बार सिविल अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल या निशान लगाए जाते हैं। एक कुछ ही दिन पहले यहाँ पर DCP पंडाल भी आते हैं, उनके सामने भी ये मामला उठाया गया था कि यहाँ पर सुरक्षा जो डॉक्टरों की यकीनी बनाई जाए, लेकिन अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ हैं एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के राकेश शर्मा, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, की थोड़ा मामला दसना, होया की सी गलती? सानू पता लगा भी रात ना दो पार्टियां ही, एक राजू पुत्र श्याम लाल लव कुश नगर दे, ते दूजी अपोजिट पार्टी राहुल सानू सतीश कुमार 12 मकाना इस्लामाबाद दे, ये लड़ झगड़ गया बचाए। आज इतने आके मेडिकल लीगल कटान आए हैं, तो डॉक्टर साहब साढ़े भवनीत ड्यूटी से ही उन्होंने चैक कर रहे ही, ये दोवें पार्टियां आप लड़ पी। अच्छा, अंदर ही लड़ पी दोनों? अंदर इसे फिर लड़ पी जी। जो लड़ पी तो जी राजू पार्टी का बंदे वो पार्टी ने तीन दो फायर किए, पहला बाहर, तीजा ना किता डॉक्टर साहब वेख के रौला वेख के बाहर आए, तीजी जी गोली चलाई वो डॉक्टर साहब के पटते बजी, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हों नवप्रीत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। अही सुरक्षा तो कई बार भी सवाल उठते रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल की सुरक्षा ने यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया भी इतने कई भी आके जो लड़के आते हैं प्रेशर भी बनाते हैं आके डॉक्टर के उत्ते भी साडा MLCA कर दौ, साडा 326 बना दौ या 307 बना दौ। बड़ा जबरदस्त प्रेशर है जी। एक बदमाश आता वो मगर 20 बंदे सिफारिशा करना, चंगे चंगे बंदे नामी कनामी हस्तियाँ नामी लीडर जेडे उन्होंने सिफारिशा करते हैं भी इन्हों गलत काम करो, पर नहीं प्रेशर हेठा नहीं आते, क्यों मगरों जान तो किसी ने बचा नहीं आ गए, आप ही बचानी पैनी है, कंप्लेट होनी साड़ी होनी है। अही 5 दिन पहला तुहानू पता तुहाडे सामने पंडाल साहब DCP साहब आए, उन्होंने मैं दस्या ही भी साढ़े इतने गार्ड तक जरूर लगी आ, पर ड्यूटी के मुलाजम एक ही हाजिर रहा, वो भी ड्यूटी से कोई नहीं, असला कोई नहीं उन्होंने कोल, तो तुम चैक करो तो जे तो गार्ड वधाओ, नहीं जी साढ़े को मुलाजम है नहीं। मैं इन्होंने पूछना चाहता भी जिदन पुलिस कमिश्नर ने वैक्सीनेशन करवाना नहीं होंगी हॉस्पिटल से, उदन 18 बंदे सिक्योरिटी के पहला कि लग जाते हैं, जबकि वो अपने नाल ही 10-15 बंदे होंगे उन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब के, उदन ताे को सिक्योरिटी आ जी 18 बंदे ला देंगे जे जिन चेर तक वैक्सीनेशन नहीं कराते। अं तो कहने भी रोज़ वैक्सीनेशन करा आन, कम से कम सू सिक्योरिटी तो उपलब्ध हो, साढ़े हॉस्पिटल वास्ते 5 बंदे नहीं को है, तो पुलिस कमिश्नर की वैक्सीनेशन कराने वास्ते 18 बंदे इन्ना को है। बहुत ही मंदभागी गल आ, समय समय सिर इन्हों तलाह दी जाती है भी इतने सिक्योरिटी की लड़ जे मुलाजम खतरे से रहन डे जे, पर इन्हों के कना की जू ही नहीं रेंगती जी। हूँ जिमें गंभीर हालत उत्थे दाखिल है, तो नैक्सट एसोसीएशन का नैक्सट क्या स्टैप होगा? जी अज अही एमरजेंसी सेवावान सिर्फ मरीज वेखे जाएंगे, मेडिकल रिलेटड जिन्ना काम सारा बंद कराता, कोई पुलिस का रिलेटड काम नहीं होगा इतने, जिन चिर तक बंदे फड़े नहीं जाते तो पक्की गर्द नहीं लगती। तुम एक ताज़ा इंसीडेंस दस दें, 5 दिन पहला साढ़े डॉक्टर मनप्रीत ने भी इदा बंदे गाल कड़ गए, इतने यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी कितने ये जाके थाने रामबाग आ कंप्लेट दे के आए, कापी रिसीव कराई उन्होंने, पर कोई एक्शन नहीं। कई बार थाना रामबाग कंप्लेट दी गई पर उन्होंने सहु ही खाधी प्यो के पुता ने भी अही एक्शन बदमाशों के खिलाफ नहीं चलना, तीस जो मर्जी कर लो। इदा तो फिर जान थोड़ी तो हर वे 24 घंटे तक खतरा बनया रहा, क्योंकि लड़के सब तो पहले सिविल हॉस्पिटल ही आते हैं लोग, फिर ऐर की काम आर पार की लड़ाई होगी, ज्यादा पक्की गार्द लगेगी जो काम ठप होगा, जो अस्पताल बंद कर दें जो इतने सिक्योरिटी देन, दो ही गल्ला जी। देखिए, ये डॉक्टर हैं एमरजेंसी में, डॉक्टर साहब क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर हरप्रीत कौर। डॉक्टर साहब कि प्रेशर से काम करना पैदा? सानू बहुत ज़्यादा स्ट्रैस होंगे, साढ़े को पेशेंट देखने का टाइम होंगे जिन्हें मेडिकल लीगल केस होंगे, तो डेली दे 15 मेडिकल लीगल केस साढ़े को आ जाते हैं, तो असं यह चाहते हैं कि एक ही प्रिंसीपल होने चाहिए है कि पेशेंट का मेडिकल लीगल होना है, क्योंकि किसी के चपेट भी वज जाती वो भी कटवा आता। तुहानू लगता जो एकदम तुम शाम को कल्ले होंगे जो रात को एमरजेंसी ड्यूटी होती है तो क्या किस तरह की तुहानू मुश्किल पेश आती है? सानू बहुत प्रॉब्लम्स आदि हैं कि सिक्योरिटी है नहीं है,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇੱਥੇ। देखिए, हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन भी हैं। डॉक्टर साहब, तुहानू कदों पता लग्या भी ये गोली वज गई है? डॉक्टर डेढ़ बजे के करीब फोन आया सीगा जी, अपने स्टाफ नर्स है हर्ष जी, उन्होंने फोन आया से भी डॉक्टर पवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मैं उस टाइम सर्जन तो ऑर्थोपेडिशियन जो सर्जन है उन्होंने कॉल करके तो मैं खुद फिर आ गया से। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਿਓ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਵਨੀਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਲੈ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਆਏ ਥੇ, ਇਸ ਬੈਡ ਕੇ ਨੀਚੇ ਛਿਪ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਪਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਡਾਕਟਰ ਭਵਨੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। देखिए, डॉक्टर अभी भी तनाव में हैं, सीनियर मेडिकल अधिकारी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो हैं लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों का इलाज करने के लिए। यदि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर उसका इलाज कौन करेगा? इनकी डिमांड है आज से है, मेडिकल लीगल काम बंद कर दिया गया है। जब तक यहाँ पर पुलिस चौकी नहीं बनाई जाती है तब तक इनका कहना है अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए हम हमारी भी यही ये समझ से परे है कि आखिरकार यहाँ पर जब भी अपराधियों का जमघट लग जाता है वो क्यों लग जाता है? यहाँ पर एक नियम होना चाहिए कि इतने लोगों से ज़्यादा कोई भी अस्पताल के अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम भी कोई नहीं है। डॉक्टर के पास तो एक पेन एक स्टेथोस्कोप होता है, वो आखिर क्या करेगा? हमारे साथ हैं सिविल अस्पताल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं राजेश शर्मा। राजेश जी, थोड़ा दसना भी किन्ना ने गोली मारी सी? सर, तुम्हें पता रात में 1 बजे की गल है शायद, तो डॉक्टर भवनीत सिंह जो अपने EMO ड्यूटी पर सी, दो सी बंदे जी, मैं तुम्हें नाम दसदा, ये अपना राजू सन ऑफ शाम लाल लवकुश नगर पुतली घर, तो दूसरी जी पार्टी से राहुल सन ऑफ सतीश कुमार 12 मकान इस्लामाबाद। ये दोनों पार्टीज की कितने लड़ाई हुई तो अपना मेडिकल लीगल कटवाने वास्ते है, तो जो राजू की सपोर्ट के जो बंदे 40-50 बंदे आए उन्होंने मूँह भी कवर किए हुए थे, उन्होंने आने वाले एक बंदे ने तो ताड़ तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो डॉक्टर भवनीत बाहर आए तो उन्होंने उनके पट से भी गोली मारती, पट तो गोली मारन का मतलब भी ऐसी इंटेंशनली भी उन्होंने गोली मारनी, मैं इन्होंने इंजर्ड करना, जिद डॉक्टर भवनीत जे बड़े बुरी तरह इंजर्ड हो गया। बाकी तुहानू दसना चाहवांगे, इस तो पहले भी असी रिपीटडली जिहड़े आला अधिकारियों लिख लिख के दिंदे रहे हैं भी जिहड़ी सिविल हॉस्पिटल दे विच सानू जिहड़ी सिक्योरिटी चाहिए, जिहड़े डॉक्टर है जिहड़े दे आर अंडर इमेंस प्रेशर। और तुसी देखो भी रात नू नाइट ड्यूटी लेडीज़ भी करदियां वा, फीमेल डॉक्टर्स भी करदियां वा, वह बेचारियों नू भी बड़ी वारी लोगों दी मतलब इहो जिहियां गल्लां उन्हां नू सुणनियां पैंदियां। हले 4 मार्च की गल है, साढ़े डॉक्टर मनप्रीत सी उन्हां कोल कुछ बंदियां आण के मिसबिहेव किया जिहदी कंप्लेंट उन्होंने 8 डिवीजन रामबाग थाने दिते। जे तुसीं पिछली हिस्ट्री देख लो भी घट्टो घट हॉस्पिटल दी 15-20 कंप्लेंट्स होणगे जिहड़ियां असीं रामबाग थाने दित्तियां होणगियां, वो अज तक उठ के नहीं देखदे कंप्लेंट ते की एक्शन लैणा वा। सो साडी इहदे प्रेशर इहदे कारण साडी एसोसीएशन ने एक डिसीजन लिता भी अगे कोई भी अपनी मेडिकल लीगल वगैरह नहीं कट्टांगे अनलैस अंटिल जे साडे को परमानेंट सिक्योरिटी नहीं दिंदे। तुसीं जिहड़ी शिकायत करदे हो उहदे ते एक्शन क्यों नहीं लिया जांदा, कदी फॉलोअप कीता?
सर देखो असी तो कंप्लेन ही कर सकते हैं ना, बाकी ये तो लैना ना अथॉरिटी का काम है, जो उन्होंने उन्होंने सोई ही खाधी भी असी एक्शन ही कोई नहीं लेना वा। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर फीमेल स्टाफ भी होता है, फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो अपराधी हैं, इनका तो मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है अपराध करना है। यहाँ पर अब मेडिको लीगल नहीं होगा, और ये अगर ये अपराधी नहीं पकड़े गए तो ये सोमवार को हड़ताल पर भी जा सकते हैं, क्या इस तरह की योजना की थी तो? देने पक्की सोमवार तो जा नहीं सकते, जाओगे कल तो? देखिए उन्होंने बोल दिया अभी सोमवार से कोई काम नहीं होगा, सिविल अस्पताल की तमाम सेवाएं ठप कर दी हैं। काम बंद कराता, सिर्फ मरीज वेखे जाएंगे, पुलिस ना रिलेटेड कोई काम नहीं किया जाऊगा, मेडिको लीगल कोई काम नहीं किया जाऊगा, कल तो मरीज भी जड़े आ कोई नहीं वेखे जाएंगे, ओपीडी बंद रहेगी, सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं चालू रहनगिया, बाकी मेडिको लीगल कोई मरीज नहीं वेखे जाऊगा, कल तो पक्का काम ठप रहेगा। कल मरीज भी नहीं देखे जाएंगे? बिल्कुल नहीं वेखे जाएंगे, ठप रहेगा काम जी का। ना ऑपरेशन होएगा, ना मरीज देखे जाएंगे ओपीडी जी, ना एमरजेंसी, एमरजेंसी के मरीज वेखे जाएंगे, बाकी कोई नहीं वेखे जाऊगा। इनकी डिमांड है कि जब तक इन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा और यहाँ पर पक्की चौकी बनाई नहीं जाएगी, तब तक सिविल अस्पताल का काम ठप रहेगा। आपको ये बता दें कि सिविल अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर हर रोज 1,000 से 1,500 मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब सेवाएँ ठप होने जा रही हैं, अब मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। हमारे पास वो वीडियो भी मौजूद हैं जब डॉक्टर भुवनीत को गोली लगती है तो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, स्टाफ उनका उपचार कर रहा है और उसके बाद उन्हें बाद में निजी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसी को लेकर हमारी जानकारी के मुताबिक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए छापामारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। हम अब बात इसी को लेकर बात करेंगे कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ, आखिरकार उनका क्या कहना है। कोई दो पार्टियां का इतने कंटोनमेंट एरिया के झगड़ा होया, मैडिकल कराने लिए आए थे सिविल हॉस्पिटल के, इतने इन्हों का दोबारा फिर झगड़ा हो गया तो उत्थे फायर होए ने, तो उत्थे डॉक्टर भवनीत सिंह ने उन्होंने गोली लगी है पट्ट ते, वो नवप्रीत हॉस्पिटल पुत्री घर दाखिल ने जी। कितनी गोलियां चलिया डॉक्टर से? डॉक्टर एक गोली लगी है फिलहाल, तो इन्ना का पता लगा जे, बाकी जाके मौके से डॉक्टर साहब का वेखा पता तो लग रहा। 3 गोलियां उन्होंने चलाईया कि हथियार अपना सी उन्हों का या फिर कि नाम 2 नंबर का हथियार से? ये तफ्तीश करा तो बाद पता लगेगा जी कि हथियार कि लाइसेंसी है कि नजायज़ है जी। कि अपना लाइसेंसी होएगा तो कि नाम रद्द किया जाएगा जी? ये रद्द नहीं किया जाएगा, जो फायर किया मुताबिक कार्रवाई की जाएगी कानून मुताबिक जी। 2 नंबर का हथियार होएगा तो फिर नहीं, एक हों जी लाइसेंसी असले ना फायर करना, वह जुर्म कुछ होर बनता वा, नजायज़ असले ना कुछ होर करना, वो कानून दे किया गया जी। अभी फिलहाल 307 का पर्चा दे रहे हैं जी।